हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अदनान कैसर है। इंटरव्यू टेक्निक्स के मतलब आपसे इस सेशन में बात हो रही है, तो दिस इज पार्ट थ्री और एपिसोड थ्री इन रिलेशन टू दैट टॉक। तो दो एपिसोड्स आपने सुन लिए, कुछ सेलियंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, उनको मद्देनज़र रखिएगा। एक चीज़ जो मैं बतानी भूल गया वो बहुत लाजमी है कि जब आपने सैलरी के मतलब बात कर ली, मैंने जैसा आपको बताया कि आपने एक रेंज उनको बतानी है इंस्टेड ऑफ गिविंग अ फिक्स्ड नंबर। उसके अलावा आपने ज़रूर इस चीज़ को एम्फसाइज करना है कि आई एम हेयर फॉर अ लॉन्ग हॉल। तो ये एक कमिटमेंट है जो आपने उनको शो करनी है, दैट यू आर कमिटेड टू वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बोलना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे असल में कल्चर में ये होता है कि हम समझते हैं कि दूसरा बंदा एज्यूम कर जाएगा, बट नो, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट, और बताना ज़रूरी होता है कि मैं यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए हूँ। आई एम हेयर दैट आई एम कमिटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन, आई एम कमिटेड टू ब्रिंग वैल्यू टू योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई एम हेयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आपने उनको बताना है दैट आई एम हेयर टू ग्रो बोथ प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली विथ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो दूसरे बंदे को एक रीअश्योरेंस हो जाती है कि यार ये छोड़ के नहीं जाएगा। जैसे मैंने अपने मैनेजमेंट को भी मैंने बताया था कि सिंस दे डू नॉट पे अटेंशन टू द टीचर्स रिटेंशन, होता क्या है, ये टीचर को हम हायर करते हैं, इतने प्रोसेस के बाद पहले उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर हम उनको हायर कर लेते हैं, फिर हम उनको ट्रेन करते हैं। देखिए, जिस तरह एक बहू भी एक घर में आती है तो हम उसको ग्रूम करते हैं ना, हम उनको बताते हैं कि हमारा रख रखाव कैसा है, हमारे किचन के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे मेहमानों के साथ डीलिंग के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, रिश्तेदारों को कैसे डील करना है, कपड़े कैसे धुलते हैं और कौन कौन से दिन धुलते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, जिस पे आपने उनको बताना है कि एक तो मैं अडेप्टेबल हूँ और मैं आप लोगों में घुल मिल जाऊँगे, और दूसरा ये है कि आप मैं यहाँ पे एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आई हूँ। तो अगेन, अगर इतनी ट्रेनिंग के बाद अगर कोई टीचर छोड़ जाए तो क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो गया ना। आपने उनको पढ़ाया, उनको सिखाया, आपने उनको प्रोटोकॉल्स बताई, आपने क्लास मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स बताई, टीचिंग मेथोडोलॉजीज पढ़ाए, आपने उनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना SOS, द स्कीम ऑफ स्टडीज़ एंड द DLPs, द डेली लेसन प्लान आपने उनको बताया, आपने उनको बताया कि यार किस तरह हम मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर चलते हैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह हमारे असेसमेंट्स होते हैं और किस तरह हमने इसको डिविजन किया हुआ है और किस तरह हमारी डिजिटल वर्जन में होमवर्क डायरीज जाती हैं, किस तरीके से हम लिखते भी हैं, सारा कुछ करते। सो देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ अ थिंग। अब क्या हुआ कि अगर आपने एक टीचर को मुतनफ़र कर दिया तो क्या हुआ कि वो छोड़ के चली गई, यू कम बैक टू ग्राउंड ज़ीरो और स्क्वायर वन, कि यार एवरीथिंग हैज़ बीन लेफ्ट नल एंड वॉइड। तो दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये पैसे बचाने की सोच में हम इस हद तक चले जाते हैं, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो आपको रेडीली अवेलेबल रिप्लेसमेंट मिल जाती है। अब यू डोंट रियलाइज दिस थिंग कि यार वो रेडीली अवेलेबल जो रिप्लेसमेंट है, इज इट सूटेबल, क्या वो आपके कंपेटेबल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि नहीं है। मतलब है, आप किसी को उठा के इस तरह तो प्लग इन नहीं कर सकते ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये एक बहुत रिगरस प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताया मैंने कितने लोगों के इंटरव्यू किए और मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, बिकॉज कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ लैकिंग थी। तो मैंने क्या फोकस किया, आप लोगों की ट्रेनिंग, आप लोगों की ग्रूमिंग करूं, आप लोगों, बिकॉज यू गाइज वर डेडिकेटेड, आई टेल यू, आई एम वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों की खामखा तारीफ नहीं करता हूं, आई एम वेरी जेन्युइन इन माय अप्रोच। आप लोगों का जो लेआउट, आप लोग जिस तरीके से प्रेजेंटेशन करते, वो एक CEO के लिए एक सामने आप जब एक बना के देते थे टेबल, इवन वो टाइम टेबल हो या रिजल्ट असेसमेंट हो, कुछ भी हो, वो कलर स्कीम के साथ सारा कुछ, एक सेकंड के अंदर मुझे सब पता चल जाता था कि यार परसेंटेज कितनी है, पोजीशंस किस तरह है, क्या क्या कुछ है।
कितने फेल हुए हैं, कितने एब्सेंट हुए हैं, क्या हुआ, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी ये प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। अब आपने देखा एक हमारी वो प्री स्कूल की जो टीचर थी, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन कितनी कमाल की खातून थी वो, एंड आई टेल यू वो हम सब में सबसे बेस्ट थी। वो आपने देखा लास्ट दिनों में वो तो मेरे ऑफिस में चौकड़ी मार के बैठ जाती थी जूते उतार के, मगर आई टेल यू मेरे लिए उनकी जो कदरों कीमत है, जो रिगार्ड है, विच इज इट इज हाईएस्ट। व्हाई? बिकॉज शी वॉज एन एक्सट्रीमली प्रोफेशनल वोमन। क्यों? मैं समझता था कि मैं अपने आप को बहुत 30 बार खान हूं, वो शी वॉज ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ मी। उसे पूछो आपने ये काम किया? जी सर कर लिया। ये वो होमवर्क हुआ, वो क्लास वर्क कंप्लीट हुआ? जी सर हो गया, सब पिछले महीने हो गया, ये समय 2 दिन पहले हो गया। सो शी वॉज ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ मी। मतलब है आप इमेजिन करें कि ये 1 कॉपी की जगह 2 कॉपियां वो कंप्लीट करवा रही थी। हाइट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, एक क्लास वर्क कंप्लीट करवा रही थी, एक होमवर्क कंप्लीट करवा रही थी फ्रॉम द प्री स्कूल। तो मैं उनको क्यों ना तारीफ करूं? मैं मेरे लिए तो वो जिस तरह मर्जी आए, वो तो मतलब है वो ट्रेनिंग जिम कॉस्ट्यूम में आ गए, कुछ कर लें, एब्सोल्युटली, बिकॉज आई एम कंसर्न अबाउट हर वर्क, हर प्रोफेशनलिज्म। और मैं आज तक उनको याद करता हूँ कि ऑल्दो वो गिला उनके साथ है कि वो एक जो पकड़ा गया था उनसे, जो हमसे एक रिजल्ट गुम हो गया था उनके पास से मिला था, उसका तो हमें उनसे गिला करना है, लेकिन अगेन रिमार्केबल लेडी। तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन लोगों की वैल्यू करनी पड़ चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजर को, सुपीरियर को, ऐसे लोगों की वैल्यू करनी चाहिए और उन लोगों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि इस तरह अगर कोई मुझे आके बोले कि यार मैं ऐसा छोड़ के जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो अगर वो वैल्यू का बंदा है तो मैं उसके पैर पकड़ लूँगा, मैं बोलूँ यार मत जाओ, आई एड्रेस ऑल योर कंसर्न्स, तनख्वाह का मैं करता हूँ, इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं ना हम उनको, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को हम इंस्टॉलमेंट्स पे उनको इंक्रीज करते हैं, यार मैं स्टेप बाई स्टेप कर देता हूँ, 500 अभी ले लो, 1000 अगले 3 महीने के बाद, तो सेटिस्फाई करना है ना उसको, ताकि वो छोड़ के ना जाए, वो आपके लिए एक वैल्यूएबल एसेट रहे। तो दिस अनफॉर्चुनेटली ये इनका नुकसान ये है कि ये मैनेजमेंट का जो स्टाइल है कि कोई जाता है तो जाए, नहीं यार इस तरह नहीं है, कोई जाता है तो नहीं जाए, अगर तो वो कोई यूज़ कर बंदा नहीं है, जिस तरह के लोग कहे मतलब है कैसे लोग थे जो मतलब है बड़े वैल्यू के लोग थे, अगर किसी के पर्सनल कंस्ट्रेंट हैं तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई इस तरह डिसग्रंटल होके जा रहा है तो फिर उसको, और वो वैल्यू का बंदा है तो फिर उसको रोकना फर्ज बनता है। तो आपने बताना ये है कि आई एम हेयर, आई एम फुली कमिटेड एंड आई एम हेयर फॉर अ लॉन्ग हॉल, ये लफ्ज इस्तेमाल करना है, आई वॉन्ट टू ग्रो प्रोफेशनली एज वेल एज पर्सनली विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि दूसरे बंदे को सेटिस्फाई हो कि यार ये बंदा इधर लग के काम करने वाला है, ठीक है, सीखने वाला है, और आपने पहले बता दिया कि मेरा एक सीख लर्निंग एटीट्यूड है, मैं सीखती हूँ या सीखता हूँ और मैं आप लोगों के लिए वैल्यू का बंदा हूँ, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको बताया था कि जब आप ये बोलते हैं कि आई एम हेयर फॉर अ लॉन्ग हॉल, तो आप देखिए आपने क्या एक सेंटेंस तो बोल दिया, आई एम हेयर फॉर अ लॉन्ग हॉल, लेकिन ये बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डीप सेंटेंस है। आपने क्या किया, अभी आपको नौकरी मिली नहीं लेकिन आपने उसको बावर करवा दिया कि आई एम ऑलरेडी इन द जॉब, राइट। तो ये एक टेक्निक होती है, जब हम सेल्स में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कस्टमर को वो प्रोडक्ट उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, राइट। तो उसको एक ओनरशिप उसकी मिल जाती है, एक उस प्रोडक्ट की उसको हाथ लगा के देख रहे हैं, ही इज फीलिंग कि यार ये तो मेरी अपनी हो गई है, ओके, अभी उसे पैसे नहीं दिए लेकिन उसको एक ओनरशिप का एहसास हो गया, उसको एक फीलिंग हो गई है। तो जब आपने उसको कहा कि आई एम हेयर फॉर अ लॉन्ग हॉल, तो उस इंटरव्यूअर को एक फीलिंग हो गई है साइकोलॉजिकली कि यार ये बंदा तो लग के टिक के काम करने वाला है, तो यार रिलैक्स, ठीक है। तो वो क्या हुआ, आपकी तरफ एक कदम और बढ़ गया, तो वो पहले से आपकी तरफ रुझू होता हुआ आ रहा है, फेवरेबल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचता हुआ आ रहा है। जब आपने उसको ये भी कह दिया कि यार मैं तो अब टिक
के काम करने, तो वो उसको तसल्ली। तो ये एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, ये सेल्स टेक्निक में हम इस्तेमाल करते हैं, और आपने उसको ये चीज़ दे दिया प्रिंसिपल साहब को या उनको बता दिया। तो अगर कोई थोड़ी सी हेजिटेशन होगी ना उनमें कि यार ये क्योंकि अभी कई दफ़ा उन्होंने बोला नहीं, क्या पता उनके दिमाग में हो कि यार ये करेगा नहीं करेगा, ये क्या होगा कैसे नहीं होगा फलाना नहीं होगा, आप उनके दिमाग को पहले से पढ़ के उनको आप सेटिस्फाई कर देगा। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक, प्लीज मेक श्योर दैट यू स्पीक ईच एंड एवरी वर्ड। नोट डायरी कर लें, डायरी छोटी सी होती है, उसको अपने गोद में रख लें। सेलियंट पॉइंट, मैं तो ऐनक लगाता हूँ, आप लोग तो वैसे माशाल्लाह से देख सकते हैं, पढ़ते जाएं और बोलते जाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं मोहब्बत में नफरत में बोलना बड़ा जरूरी होता है, तो वही इस मोहब्बत में इस इंटरव्यू में आपने बोलना बहुत जरूरी है। तो याद है मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था कि जब मैं फौज में था, मिलिट्री अकेडमी, पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में, तो हमारे ज़माने में बहुत ही एक बॉक्सिंग होती थी, और बहुत फिरोशियस, बहुत ही मारा मारी वाली बॉक्सिंग होती थी। वो दो राउंड होते थे, डेढ़ डेढ़ मिनट के दो राउंड होते थे, और वो जब वो तंग होती थी ना, जो घंटी बजती थी, तो हम एक दूसरे को पिल पड़ जाते थे, वैसे दोस्त होते थे, लेकिन हम एक दूसरे को मार मार के उसका बुरकस निकाल देते थे। तो मैंने जब आई वॉज वेरी फ्रेल, मैं जब PMA में था तो मैं बहुत कमज़ोर सा था, तो मेरे अबा आपको पता है सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे, बहुत कम मुझसे बात करते थे, बहुत सख्त तबीयत के थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि यार पार्टनर अभी तुम्हारी बॉक्सिंग है ना। मैंने कहा जी। यार एक काम करना। जी क्या? यार जो कुछ भी करना है ना, डू इट इन दोज डैम 3 मिनट्स। बाहर आके ये मत कहना कि यार मैं सजियों होके उन्हें खबियों पंच कर देंदा ना, या मैं उन्हें इस तरह हुक कर देंदा। नो, वट एवर यू हैव टू डू, डू इट इन दोज डैम 3 मिनट्स। और आप यकीन मानिए कि मुझे वो टंग की घंटी की आवाज सुनाई दी है, मैं उसके बाद पिल पड़ा और मैंने उसको नॉकआउट कर दिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइफ अगेन, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज द सेम बॉक्सिंग राउट बाउट। बॉक्सिंग बाउट में ये इंटरव्यू भी एक बॉक्सिंग बाउट है। वो आपके पास 10 मिनट 15 मिनट का जो टाइम है इंटरव्यू का, आपने उसके अंदर अपने आप को बेहतरीन हालत में प्रेजेंट करना। बाहर निकल के ये नहीं कहना ओ हो यार मैं तो ये कहना ही भूल गया। नो, जो कुछ आपने बोलना है आपने देयर एंड देन उसको बोल देना है। पहले से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपके नोट्स रेडी होने चाहिए, आपकी CV प्रॉपर होनी चाहिए, आपने बेस्ट पॉसिबल वे में आपने उसको प्रेजेंट करना है अपने आप को, राइट, ताकि उसको ना करने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर में इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने उससे बिजनेस कार्ड लेना है, राइट। जिस जो बंदा आपका इंटरव्यू कर रहा है, याद से उससे एक बिजनेस कार्ड उसको रिक्वेस्ट करने, कैन आई हैव योर बिजनेस कार्ड प्लीज। अगर उसके पास नहीं है तो उसको बोलो एक कागज के ऊपर अपना टेलीफोन नंबर या अपना ईमेल एड्रेस या कुछ फोन नंबर लिख दीजिए, राइट, फुल नेम विद द करेक्ट स्पेलिंग्स एंड द फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर, ओके, और उसका ईमेल एड्रेस। अब क्या आपने करना है, जब आप घर वापस जाएंगे तो आपने उसको एक ग्रेटिट्यूड का नोट लिखना है। आई डोंट केयर आप उसको SMS करते हैं, आप उसको व्हाट्सएप करते हैं या आप उसको ईमेल करते हैं, उस शाम को एक थैंक यू का नोट, उसका टाइटल होगा थैंक यू, और नीचे मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या उसको लिखना है। आपने उसको कहना है आई विश टू थैंक यू, मोस्ट सिंसियरली का बहुत है दिल से, फॉर ग्रांटिंग मी द अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंटरव्यू टूडे फॉर द पोस्ट ऑफ दिस बिजनेस। I am extremely keen and excited to work in your distinguished school system or organization and be of value. Ye value ka word main baar baar istemal kar raha hu, this is very important. Bring some value to you and to your organization as an asset. Asset kya hota hai? Hamari maal o mata hoti hai. To teachers, employees, staff भी हमारा मालो मता होते हैं, जैसा कैपिटल एसेट होते हैं ना, जब आप दफ्तर में होते हैं तो कुर्सियां मेज बिल्डिंग इज योर कैपिटल एसेट,
राइट, ये मैंने आपको बताया था अकाउंट्स जब मैं आपको पढ़ा रहा था, आपको बॉटम लाइन का बताया था कि सब खर्चे वगैरह निकाल के इनकम माइनस करके एक लाइन डलती है और उसके बाद उसको उसके नीचे लिखा जाता है प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है, तो दैट इज़ द बॉटम लाइन, वो लाइन को बॉटम लाइन कहते हैं। तो हम अक्सर कहते हैं द बॉटम लाइन इज दिस, तो दैट इज़ द बॉटम लाइन एक्चुअली। तो मालूमता आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन की मालूमता होने जा रहे हैं, तो आपने उसको बताना कि मैं आपके लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनना चाहता हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब आपने उसको बता दिया कि मैं तो कीन हूं और मैंने आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेना ही लेना है हर सूरत में। आखिर में आपने लिखना है आई एम अवेलेबल इट फॉर एनी क्वेरी दैट यू मे हैव। अगर इस इंटरव्यू के बावजूद कोई अगर कोई सवाल रह गया है तो आई एम फुली अवेलेबल, आई एम अवेलेबल एट एनी टाइम, एंड आई वुड बी डिलाइटेड टू मीट यू अगेन इफ यू विश टू मीट मी अगेन, आई एम डिलाइटेड टू मीट यू अगेन इफ यू विश टू सी मी अगेन एट एनी टाइम ऑफ योर कन्वीनियंस। आपकी आसानी के मुताबिक आप जब भी मुझसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश का इजहार करेंगे मैं अवेलेबल हूं। सो दैट इज मीन्स आपने अपने आप को फुली फ्लेक्सिबल हालत में उनके सामने पेश कर। अब वो बंदा कह रहा है कि यार ये तो बंदा बड़ा फ्लेक्सिबल, इसको इधर भी मोड़ दो उधर भी मोड़ दो फलाने कर लो, ये तो हर जगह। अब वो सोच रहा होगा ना किस क्लास में रखना है, किस ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, किस जगह पे फिट करना है। यू डू नॉट नो, वो आप उसका माइंड आपको नहीं पता, उसकी रिक्वायरमेंट या उसका कंस्ट्रेंट आपको नहीं पता, लेकिन आप अपने आप को हर किस्म की पोजीशन के लिए आप उसको अवेलेबल कर दिया और आपने उसको ग्रेटिट्यूड का इजहार कर दिया। वो कहते हैं ना अल्लाह मियाँ से भी शुक्र करना चाहिए या अल्लाह मियाँ का थैंक यू करना चाहिए। सो अगेन जब आपने ग्रेटिट्यूड का इजहार कर दिया एंड बी जेन्युइन, हमेशा मैं आप लोगों को लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ ऑनेस्ट और जेन्युइन, ड्रामे के साथ आपने उसका थैंक यू नहीं करना, बी सिंसियर, भावें वो आपको नौकरी दे या ना दे, बी वेरी जेन्युइन। आप उसको बोले आपने थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे नौकरी दे दिया, आई एम सो ग्रेटफुल। अगर वो नहीं भी देता तो कोई दिल बुरा करने की जरूरत नहीं, आपकी किस्मत में नहीं थी। लेट्स मूव ऑन, इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आपकी क्या हुआ टॉकिंग पॉइंट्स, आपकी फ्लुएंसी आ गई आपकी जुबान में, एक इंटरव्यू नाकाम हो गया ना तो क्या हो गया, वो फ्लुएंसी आ गई आपकी जुबान में, अब आप बोलना आपके लिए आसान हो गया। तो हम क्रिकेट में भी होते हैं ना वेल लेफ्ट, वो बॉल बाहर जा रही होती है छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, सो डज नॉट मैटर, नेक्स्ट बॉल पे क्या मतलब छक्का लग जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो आपने उसका बिजनेस कार्ड लेना है उसी शाम को, प्लीज मेक श्योर आपने उसको थैंक यू का नोट भिजवा देना। ओके, अब इसके बाद अगर कोई आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है इस सेक्शन के मुताबिक तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा, कुछ कई चीजें शायद मैं भी भूल गया हूं लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। नाउ लेट्स क्विकली बिगिन विद द 15 क्वेश्चंस। ये आप लोगों का हमेशा से सवाल था कि 15 क्वेश्चंस क्या है, तो 15 क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये हर बस एक वहां पे आपको पता है बाहर के मुल्कों में एक रोबोटिक सिस्टम है। मैं इसी वजह से वेस्टर्न कल्चर को नापसंद करता हूँ कि वहाँ पे एवरीथिंग इज सो मैकेनिकल, हर चीज़ वो मैकेनिकल तो तरीके के मुताबिक करते हैं। वो जेनेटर का भी एक वो इंटरव्यू करेंगे तो 15 सवाल पूछेंगे, सीईओ का भी इंटरव्यू करेंगे तो 15 सवाल पूछेंगे, सो वो दैट इज़ नॉट गुड। हमारी ईस्टर्न कल्चर सेंसिबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, हम लोग वज़ादार लोग हैं, हम लोग बहुत वज़ा के से तहमल से कट टू साइज करके टेलर मेड हम सवाल पूछते हैं और बहुत तमीज़ के दायरे में रहते हैं। तो अगेन जस्ट हैव अ लुक, इसको सिर्फ सुन लीजिए और इसमें से सिर्फ आपको दो चीज़ों का मद्देनजर रखना है, योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस, ये लिख लेनी है। ऑल दो आपकी अम्मा जान मेरी अम्मा जान मुझे मेरा पुत्र बहुत बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन वो जो अम्मी जान जो बोलती हैं वो नहीं करना, जो आप अपनी समझते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है या आपकी वीकनेसेस क्या है उनको लिस्ट डाउन कर, और ये आपके लिए एक कैथारसिस भी है, एक एनालिसिस भी आपके लिए बड़ा फायदे की चीज़ होती है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब योर आइडियल जॉब एंड और योर बॉस। आइडियल जॉब क्या है, अब वो आपको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो इस काम के लिए आ गए लेकिन आपकी आइडियल जॉब क्या है। आप बोले मैं तो प्रेजिडेंट ऑफ USA बनना चाहता हूँ,
तो वो यहाँ आया है टीचर की नौकरी के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए बनना चाहता है. सो दैट इज नॉट, सो वो आइडियल जॉब आपसे आपको एग करते हैं, आपको पुश करते हैं ताकि आपके अंदर की बात वो समझ जाए. सो डिस्क्राइब योर आइडियल जॉब, राइट? तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. उसके बाद कहते हैं व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, तेनु नौकरी करने की लोड है भाई. तो व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब एंड व्हाई आर यू लीविंग योर करंट पोजिशन, राइट? उसके बाद आ जाता है तुम क्यों नौकरी ढूंढ रहे हो, तुम अपनी पहली वाली नौकरी क्यों छोड़ रहे हो. वो जी मेरा पड्डा हो गया, मेरा बॉस के साथ, मेरा बॉस बड़ा फजूल किस्म का इंसान है. नेवर, कभी अपने पुराने बॉस की बदतारीफी नहीं करनी, राइट? अगर उन्होंने आपके साथ नाइंसाफी भी की है, जिस तरह हुई है, मेरी तनख्वाह भी 2 महीने की कटी गई है और एक और टीचर की भी उन्होंने 10,000 रुपया मार लिया है, तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला राजिक है, कहीं ना कहीं से और उसको कॉम्पनसेट कर देगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो कभी बुराई नहीं करनी. मैं भी जो ये बताता हूँ पॉइंट ऑफ करता, ये मैंने उनको क्लियरली बताया हुआ है और मैं नंबर ऑफ टाइम्स उनको उनकी एक एल्डर की हैसियत से, एक बड़े की हैसियत से मैं उनको बताता रहा हूँ. वो दे वर यंग, आपको पता है उन लोगों ने बहुत ही नामुनासिब रवैया इख्तियार किया था. वो एनुअल डे के ऊपर भी हमारे टीचर्स की तरफ उन्होंने एक ठट्ठा लगाया था, बी रेट करने की कोशिश की थी, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. तो मैंने उनको तरीके तरीके के साथ बताया था कि ये आप गैर मुनासिब बात है, आप इस तरह एटीट्यूड नहीं रख सकते. रिस्पेक्ट गरीब से बंदे का भी उतना ही वो डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट को, जितना कि एक अमीर बंदा करता है. तो सोशल क्लासेस हैं, आप लोग बहुत पैसे वाले होंगे, लेकिन वी एक्सपेक्ट सम एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम यू. सो दिस इज व्हाट वी डिमांड, ठीक है? और ये उनको देना ज़रूरी है. आप भी कल को इस पोजिशन में होंगे, आप लोग जिनके साथ मैं आज बात कर रहा हूँ, कल को शायद आप लोग प्रिंसिपल हों, कल को आप किसी हायर मैनेजमेंट में हों, तो आपने कभी भी किसी का हक तलफी नहीं करनी. ये मेरी बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, फिर वो कहते हैं व्हाट यूनिक एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दैट सेपरेट्स यू फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स. ये अभी हम आगे इस अगले सेक्शन में हम इसके ऊपर बात करेंगे. What unique capabilities you have? क्या expertise है आपकी जो आपको दूसरों से मुनफरिद करती है? अच्छा, फिर वही वाला सवाल, Tell me about yourself. Please introduce yourself. वही 60-second elevator speech की बात आ गई. अच्छा, फिर excuse me. What are your strengths and your weaknesses? ठीक है, तो आपके पास 5 strengths होनी चाहिए. I am meticulous, I am responsible, I am dedicated, I am hardworking. Whatever. ठीक है, और weakness को बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है वीकनेस का. मैं आपको बता रहा था, मैं कभी हमेशा कनाडा में मुझसे पूछते थे, मैं कहता था मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, कभी मैं कहता था मैं सेंसिटिव हूँ, कभी मैं क्या हूँ. आखिर में मेरा एक आखिरी इंटरव्यू हुआ तो मैं रो पड़ा. आई थिंक रोआ मी, आँखों में बस नमी सी आ गई. तो वो एक लेडी थी यूरोपियन, तो उसने कहा कि अदनान व्हाट इज़ योर वीकनेस. तो मैंने कुछ और सोचा हुआ था, लेकिन फिर उसके मैं अपना वो सीवी मैंने किया. मैंने कहा मैम, नहीं मैम तो नहीं, उधर बोलते कैथरीन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. कैथरीन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई मेक मिस्टेक्स, आई एम नॉट परफेक्ट. तो हम कुछ भी नहीं है यार, हम लोग तो परफेक्ट नहीं हैं, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग खता के पुतले हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, सर के बल खड़े हो जाएं, हम परफेक्ट नहीं हो सकते. वो खुदा की ज़ात ही है जो परफेक्ट है, ठीक है? तो हम कोशिश करते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं. तो मैं उसको यही कहा, मैं कहा यार आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं मेरी सबसे बड़ी वीकनेस यही है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं गलती कर जाता हूँ. तो बस गलतियाँ ज़िंदगी में पर्सनल लेवल पर भी हो जाती हैं, प्रोफेशनल लेवल पर भी हो जाती हैं, लेकिन हमें उससे सबक सीखना चाहिए, राइट? और उसके बाद हमें उनको इम्प्रूव करना चाहिए. अगेन जो कहते हैं कि अ मिस्टेक रिपीटेड ट्वाइस इज कॉल्ड अ हैबिट. तो एक मिस्टेक को एक के बाद दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, वरना वो आपकी हैबिट बन जाती है. अच्छा, आगे चलते हैं. डिस्क्राइब सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरियर एकम्प्लिशमेंट्स. कोई अपने माइलस्टोन बताइए
जो आपने ज़िंदगी में तोपें चलाई हुई हैं वो बताइए कि कौन कौन से तोप चलाई है, तो आपने बताना है कि मैंने इतना पढ़ाया, फलाने फलाने को पढ़ाया, मेरा रिजल्ट इतना आया, मेरा एवरेज रिजल्ट इतना था, 75% मेरी क्लास का एवरेज रिजल्ट आता था, इतने एज होते थे, इतने ए प्लस होते थे, इतने बी होते थे, फलाना होते थे, बोलिए राइट। और ये बोलना बड़ा ज़रूरी होता। उसके बाद वो कहते हैं कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट। तो ये मत बोलिएगा कि आज मैंने शाम को घर जाके कपड़े धोने हैं तो ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है और लॉन्ग टर्म गोल है कि मैं घर को शिफ्ट करना है, ऐसा नहीं। तो आपने अपना प्रोफेशनल तरीके से अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स आपने बताने हैं, पहले से आपके बने हुए लिखे हुए होने चाहिए कि ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, अब मैंने इधर तक पहुँचना है, नो हार्म इन टेलिंग कि लॉन्ग टर्म गोल में मेरा बिकमिंग अ प्रिंसिपल है, मेरा गोल है। तो वो बताता है आप एम्बिशियस हैं, आप आगे बढ़ने में आपको आपको लगन है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू फेस्ड विद द चैलेंजिंग सिचुएशन एंड हाउ यू हैंडल्ड इट। अगेन ये इस तरह की मैंने तो अपने हमेशा वो इस्तेमाल करता हूँ, वो जिसने मुझे कुर्सी ऑफर नहीं की बंदे ने, तो चैलेंजिंग सिचुएशन थी एंड हाउ आई हैंडल्ड इट। वो बड़ी उस वक्त विट के साथ, मैंने उसको देखा था कि उसके पास इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पड़ा हुआ है 9 जल्दों वाला, तो मैंने उसको कहा कि आपके पास तो 10 साल पुराना इंसाइक्लोपीडिया, तो मैं तो आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अगेन रिमेंबर दिस थिंग, यू आर हेयर टू हेल्प। आप स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर रहे हैं, आप उनके पेरेंट्स की भी हेल्प कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट की भी हेल्प कर रहे हैं, एज अ स्टाफ एज अ टीचर आप हेल्प कर रहे हैं, आप मददगार हैं, यू आर अ फ्रेंड। सो कभी अपने आप को अंडरमाइन मत कीजिए। व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स, अगेन वी हैव डिस्कस दिस थिंग। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजिशन और इन आवर कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि क्यों भाई इतनी 3600 कंपनियां हैं, उधर क्यों नहीं जाते हो, तुम मेरे पास क्यों आए हो। तो आपने फिर जब आपने, मैंने पहले बताया था, आपने आपने जब कंपनी की रिसर्च की हुई है, आप उनकी वेबसाइट पे गए हैं, आपने उनके सेलियंट एस्पेक्ट्स देखे हैं, वो अबाउट अस लिखा होता है, मिशन लिखा होता है, वो पढ़ना पड़ता है कि यार आप में क्या कमाल की चीज़ है। और आप हमेशा बताते हैं कि यार ये जो है जो कंपनी है, दिस इज़ एन अमेरिकन सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड आई प्रिफर दैट, वो मुझे बड़ी पसंद है ये, इसलिए कि मैं कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी करके दिखाना चाहता हूँ, राइट। सो ये बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद है, व्हाट वुड योर फॉर्मर बॉस कोलीग से अबाउट यू, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसलिए आपको बताया है कि अपने जो बॉस के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे रखिए, ज़रूरी नहीं है। कोई अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी कर जाता है तो उसको अल्लाह के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या फ़ायदा, गिले शिकवे होते हैं, इंसान हैं हम, लेकिन ये है कि उसको छोड़ दीजिए। तो वो कभी भी बुरे नोट के ऊपर मत छोड़ के जाइए, हो जाता है कई दफ़ा कोई ज़्यादती भी कर जाते हैं, और कुछ ऐसे बॉस होते हैं जो बाद में आपकी टांग भी खींचने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ ऐसी सूरत हाल है तो फिर आपको बताना ज़रूरी है कि आप उनको बताइए कि जी इस तरह उन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की थी, इस तरह हुआ था, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये मेरे साथ हुआ था, राइट। मैंने हमेशा आपको कहा इफ़ यू आर जेन्युइन, कोई आपके साथ कोई इस तरह की बात नहीं होगी। लेकिन अगेन कोशिश कीजिए कि आपके जो पुराने बॉसेस हैं वो आपको अच्छा, अगेन मैंने आपको बताया रेफरेंसेस आपको चाहिए, 2 प्रोफेशनल रेफरेंसेस, वो उन्हीं लोगों के रेफरेंसेस चाहिए होंगे, ठीक है। मैं जहाँ तक होगा अगर आपको ज़रूरत है मेरे रेफरेंस की तो मेरा नाम दे दीजिए, आई वुड बी ग्लैड टू गिव योर रेफरेंस। व्हाट आर द बेस्ट एंड वर्स्ट एस्पेक्ट्स, व्हाट आर द बेस्ट एंड वर्स्ट एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रीवियस जॉब, ठीक है। जो आपने प्रीवियस जॉब जो आपने छोड़ी है तो वो उसके क्या थे, अच्छे एस्पेक्ट्स क्या थे और बुरे एस्पेक्ट्स क्या थे। अब वो आपको साइकोलॉजिकली वो आपको एनालाइज करने हैं कि आपके अंदर से निकलवाना चाहते हैं, उगलवाना चाहते हैं कि आप बताइए कि कुछ थोड़ा सा कोई कड़वी चीज़ बोलिए, राइट। तो आपने बोलनी नहीं है, आपने बोला जी सब अच्छा था, सब कुछ था, बस वो कोई कंस्ट्रेंट थे, कुछ घर के मामला थे, कुछ थे, मूव कर गए, कुछ हो गया, हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई, कुछ हो गया, जिसकी वजह से मुझे ये अपने आप को जॉब छोड़नी पड़ गई। व्हाट डू यू नो अबाउट योर कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने हमेशा से शुरू में कहा था, कंपनी को पढ़ना है, कंपनी को समझना है, उस कंपनी के बारे में एक एक चीज का आपको पता होना चाहिए, और अपनी इस एग्जिस्टिंग कंपनी का भी आपको पता होना चाहिए। जब इनका पता होगा फिर आप उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं ना, कि आपको ये पता है कि ये स्कूल सिस्टम इस तरह पढ़ाता है, वो स्कूल सिस्टम इस तरह पढ़ाता है, ये ब्रिटिश सिस्टम है, वो अमेरिकन सिस्टम है,
इनका ये ग्रेड सिस्टम है, उनका वो है, इस तरह उनके रिजल्ट बनते हैं, इस तरह हमारे बनते हैं, और इनकी क्या मार्केट रेपुटेशन है, इंडस्ट्री स्टैंडिंग क्या है, और कितने ये लोग पॉपुलर हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये वो पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट मोटिवेट्स यू, आप को क्या चीज़ मोटिवेट करती है, और आप दूसरों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ लोग कहते हैं यार पैसा मिल जाए तो बड़ी मैं मोटिवेट हो जाऊंगा, कभी इस तरह का लफ्ज़ नहीं बोलना, पैसा इज एन इमटीरियल थिंग, ठीक है. आपने बताना है कि यार प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन, जब आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाए, आप यकीन मानिए, वो मैं उस दिन वो देख रहा था इंटरनेट के ऊपर, किसी ने कहा कि यार आप सैलरी को कभी काउंट ना किया करें कि दिस इज योर सैलरी, आप उसके साथ देखिए आपको वर्क एनवायरनमेंट किस तरह की मिल रही है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सैलरी. अगर आपको दफ्तर जाने आने में आसानी है, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ योर सैलरी. आप वहाँ पे खुश हैं, दैट इज अगेन पार्ट ऑफ योर सैलरी. आपके स्टाफ, आपके कुलीग्स अच्छे हैं, अगेन पार्ट ऑफ योर सैलरी. आप चंद खुशकिस्मत नसीबों में से हैं जिनको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिल जाए, एक अच्छी कुर्सी मिल जाए, अच्छा पढ़ाने का तरीका मिल, जगह मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए, अच्छा अच्छी क्लास मिल जाए. अगेन, सो ब्लेसिंग्स, अल्लाह ताला ने जितनी हमें ब्लेसिंग दी हुई है, हम ना शुक्रे लोग हैं, हम लोग उसका वो नहीं, शुक्र नहीं करते. तो ये सोचा करें इन सारी चीज़ों को. तो व्हाट मोटिवेट्स यू, वो ये एस्पायर करता हूँ मैं, आगे बढ़ने की ख्वाहिश है मुझे, वो मुझे मोटिवेट करती है, मुझे अच्छा काम करना मोटिवेट करता है, मुझे लोग मुझे एक्नॉलेजमेंट करें, अप्रिशिएट करें, मुझे अच्छा लगता है. तो मैं जब अच्छा काम करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है. मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि मैंने जब खाना पकाना शुरू किया तो मैं पहले खाने की तारीफ ही नहीं करता था किसी, फिर मेरे घर वालों ने मुझे खाने पे लगा दिया कि यार ये ट्राई करो, तो मैं सारे काम दुनिया के कर लेते हो तो तुम खाना पकाना भी शुरू करो, तो मैंने कुकिंग शुरू कर दी. अब खाना जब पक जाता है तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि यार कोई उसको एक्नॉलेज कर ले, अप्रिशिएट कर ले यार कि खाना अच्छा बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो मैंने आपको बताया था हमारे घर में एक मेडल पड़ा हुआ है, तो हमारे वो अंग्रेज माहौल है तो वहाँ पे तो मुंह से तो कोई कम ही लोग बोलते हैं, तो मेरी बेटी आके मुझे वो मेडल एक पहना देती है, दैट इज़ अ ग्रेट एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन फॉर मी. वो मेडल मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त मेडल है कि यार आज मैंने कमाल का खाना बनाया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़, ये भी अपनी ज़िंदगी के साथ आप रखिए कि मोटिवेशन आपके साथ, और दूसरों को आपने मोटिवेट करना. मैं जिस तरह आज आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पास इट ऑन, ये एक चेन रिएक्शन बनना चाहिए. ओके, लास्ट है, आर यू विलिंग टू रीलोकेट. ये तो आपके साथ नहीं है, वो तो बड़ी कंपनियों के लिए होता है कि चलो इधर से किसी दूसरे शहर में अगर आपको रीलोकेट कर दें, तो अगेन जिनके बड़े ज़्यादा कैंपस होते हैं वो क्या पता आपको एक कैंपस से दूसरे कैंपस में रीलोकेट कर दें, अगेन तो बोलो जी बिल्कुल वी आई एम प्रिपेयर, ठीक है. क्या होगा कल को जब अगर रीलोकेशन होगा तो वो रीलोकेशन अलाउंस देंगे आपको, आपको पेट्रोल का अलाउंस देंगे, फ्यूल अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट. उनको बोलो जी आई एम विलिंग. सो बी एज फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल. आपको नौकरी की जरूरत है, उनको नौकरी की जरूरत नहीं, आपने अपने आप को उनके तौर के मुताबिक ढालना है, तो आपने अपने आप को उनके लिए अपने आप को प्रेजेंट कर. अगेन आधा घंटा गुजर गया और ये तीसरा एपिसोड हो गया. आई टेक अ ब्रेक नाउ और मैं कोशिश करूंगा, अगला जो एपिसोड है, अगेन दैट इज़ वेरी लॉन्ग, मैं कोशिश करूंगा कि इसको कट डाउन करूं और सेलियंट एस्पेक्ट्स आपको बताता जाऊं, और वो जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो सब कुछ बताने का चीज़ थी, ये सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना. देखिए वो अगेन बॉक्सिंग रिंग के अंदर आप लोगों ने खुद जाके लड़ाई करनी है, इंटरव्यूअर के सामने आपने खुद जाना है. मैं सिर्फ आपको प्रिपेयर कर सकता हूँ, आपको इनकरेज कर सकता हूँ. मैं इवन आप मुझे साथ ले जाओ, मैं बाहर जाके बैठ जाऊँगा, मैं आपको इनकरेज करूँगा, मैं आपको बिकॉज आई बिलीव, ऑनेस्टली आई बिलीव इन योर केपेबिलिटीज, ईच वन ऑफ यू, आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन. मैं आप लोगों की केपेबिलिटी में बिलीव करता हूँ, एंड आई नो कि आप लोगों में इतनी कॉम्पिटेंस है कि आप जहाँ पे भी जाओगे कमाल करके दिखाओगे, राइट. आप जो जिस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके के साथ आपका पेपर वर्क है, जिस तरीके के साथ आपका पढ़ाना है, जिस तरीके के साथ आपका डेडलाइंस को कंप्लीट करना है, दो दफ़ा हमने पीछे रह गए, हमने उसको डेडलाइंस को कंप्लीट किया, तो कमाल है ना यार.
तो मैं इसलिए आप लोगों को, मैं इसलिए आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोगों की वैल्यू करता हूँ, बिकॉज आप लोगों में एक अल्लाह ताला की तरफ से एक काबिलियत है, उस काबिलियत को मैं एक्नॉलेज करता हूँ, एक सुपरवाइज़र की हैसियत से मैं आप लोगों को एक्नॉलेज करता हूँ। तो अल्लाह करे कि आप जहाँ पर भी जाओ आपकी इस चीज़ को, आपकी काबिलियत को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगले सेगमेंट में हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, देखेंगे कि एक स्कूल सिस्टम में होता क्या क्या, तो वो आपने समझना है। अब मैंने आपको बताया था कि आई सी इन यू अ प्रिंसिपल, तो अब आपने अपने आप को एक प्रिंसिपल के तरीके से सोचना शुरू कर देना है, बिकॉज वॉट इज हैपनिंग, कल को आप प्रिंसिपल के सामने बैठे हो गए तो वो प्रिंसिपल आपको गेज कर रहा होगा एक प्रिंसिपल की नज़र से। आप अगर एक प्रिंसिपल के तरीके के मुताबिक अपने आप को तैयार किया हुआ है एक कैंडिडेट के तौर पे, तो इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू कि उसके साथ आपकी एक नेटवर्किंग हो जाएगी, एक फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी। जो वो सोच रही है मैडम बैठी हुई, आप उसके मुताबिक जवाब दे रहे हैं, जब आप जवाब दे रहे हैं तो उसको क्या हो रही है, वो शी फील्स सेटिस्फाइड, उसको तसल्ली हो रही है कि यार ये शी इज़ द राइट फिट फॉर मी, ये तो मेरी उस पर कमाल कर देगी। अगेन अपने आप को एक स्टेप नीचे रखना है, ये नहीं है कि जी मैं बड़ी फन्ने खान हूँ और मैं बड़े काबिल हूँ फलाना, कभी कभार मेरे साथ भी हो जाता, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि वो इतना एक्सपीरियंस हो गया, 33 years एक्सपीरियंस, तो वो मुख्तलिफ जगहों पर काम कर लिया तो कुछ ज़्यादा आ गया, तो वो लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं ओवर क्वालिफाइड हो, कुछ हो, क्या हो, जबकि मैंने आपको बताया कि मेरी उम्र में इस उम्र में आके आई एम रिटर्निंग टू द कम्युनिटी, वट एवर आई एम डूइंग टू यू, आई एम डूइंग यू नो फेवर, आई एम डूइंग अ फेवर टू माई सेल्फ, आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम रिटर्निंग बैक वट एवर आई हैव लर्न बैक टू यू पीपल, ताकि आप आगे आपकी ग्रूमिंग हो सके, आपकी नशोनुमा हो सके, और कल को आप इस पोजिशन पर आ जाओ कि आप कल को किसी और को पढ़ाने के काबिल हो जाओ, एंड आई टेल यू दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर मी, और मैं आराम से तसल्ली के साथ इस दुनिया से चला जाऊंगा कि यार मैंने बहुत कमाल कर दिया। आपको मैंने बताया था कि मैंने जब वो इस्लामिक रेडिकलिज्म के ऊपर एक 13-14 पार्ट की एक यूट्यूब प्रेजेंटेशन थी, मैं घर वाले कहते थे तुम्हें एक पैसा नहीं मिल रहा, तुम पागल हो, तुम इस तरह के काम कर, किताबें तुमने 24 पढ़ ली हैं, तुमने लिखते हो, तुम उसके टॉकिंग पॉइंट्स बनाते हो, तुम उसको यूट्यूब के ऊपर डालते हो, तुम्हें कुछ हासिल नहीं है। मैं कहा एक बच्चा या बच्ची को मैंने उन बैड ऑर्गेनाइजेशन से जाने से बचा लिया, तो आई टेल यू कि मैं सुरखरू हो जाऊँगा, एंड आई एम रियली कन्विंस्ड, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किस किस्म की रिक्रूटमेंट होती है इंटरनेशनली, किस किस्म के वो छोटे बच्चों को वर्गलाते हैं, आपने खुद देखा यहाँ पे हमारे ट्राइबल एरियाज में क्या क्या कुछ नहीं होता था, वो बच्चों को जन्नत का कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, फलाना होगा ये होगा, तो अनफॉर्चुनेटली बाहर भी यही हाल है, दूसरी मिडल ईस्ट में भी यही हाल है, वो बच्चों के एक बच्चे को भी आप बचा लो, उसकी ज़िंदगी को बचा लो, आप शायद पूरी कम्युनिटी को बचा लो, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के सुनने का, और इसी तरह अगला एपिसोड करते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ काम आता है कि नहीं। अंटिल दैट टाइम टेक गुड केयर एंड खुदा हाफिज़।